करके देखें। पहला, सीता के पास 8,200 रुपए हैं, जिसमें 100 रुपए के नोटों के दुगने नोट 500 रुपए के तथा 100 रुपए के नोटों से तिगुने नोट 1,000 रुपए के हैं। क्या आप बता सकते हैं कि सीता के पास 1,000 रुपए के कितने नोट हैं? दूसरा, 2,890 रुपए को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटिए कि ए अनुपात बी बराबर 1:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो। किसी भी दिए अनुपात में किसी राशि को बांटना। एक राशि x को 3 भागों में इस तरह बांटिए कि उन भागों में a अनुपात b अनुपात c का अनुपात हो। यहाँ राशि x का मान व प्रकार कुछ भी हो सकता है और अनुपातों a b c का मान भी कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। हमें राशि x को a अनुपात b अनुपात c के अनुपात में बांटना है, अतः इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, a के धन b के धन c के बराबर x। कोष्टक में a धन b धन c गुणा k बराबर x, अतः k बराबर x बटे कोष्टक में a धन b धन c। इसलिए x का पहला भाग a के अर्थात a x बटे कोष्टक में a धन b धन c, x का दूसरा भाग b के अर्थात b x बटे कोष्टक में a धन b धन c, x का तीसरा भाग c के अर्थात c x बटे कोष्टक में a धन b धन c। हमने देखा कि राशि x को बांटने पर प्राप्त तीन भाग क्रमशः a x बटे कोष्टक में a धन b धन c, b x बटे कोष्टक में a धन b धन c व c x बटे कोष्टक में a धन b धन c हैं। उदाहरण 8। पानी और दूध का एक मिश्रण 40 लीटर है, इसमें 10% पानी है। बेचने वाले ने इस मिश्रण में और पानी मिला दिया। नए मिश्रण में 20% पानी है, कितना पानी और मिलाया गया? हल। मिश्रण में पानी, मिश्रण में पानी बराबर 40 लीटर, का 10% बराबर 40 × 10/100। इसको हल करेंगे अपन, 10 × 10 = 10 × 10 = 10 × 10 = 40 बराबर 4 लीटर। तो मिश्रण में पानी हमने ज्ञात किया 4 लीटर, जो कि 40 लीटर का 10% होता है 4 लीटर, तथा दूध बराबर कुल 40 लीटर मिश्रण है, इस मिश्रण में 4 लीटर जो है पानी है, तो दूध की जो मात्रा है वो 36 लीटर होंगी। माना इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया गया। अब पहले मिश्रण जो था 40 लीटर का था, उसमें पानी का 10% था, वो 4 लीटर निकाले हमने। दूध की मात्रा 40 लीटर में 4 लीटर पानी है, तो 36 लीटर दूध हो गया। अब पानी में माना इस मिश्रण में 1 लीटर पानी और मिला दिया गया है, तो नए मिश्रण
में पानी बराबर, पहले पानी था 4 लीटर और x लीटर पानी और मिलाया गया, तो अब 4 × x लीटर जो है वह पानी है। वह दूध 36 लीटर है, 36 लीटर दूध है यहाँ पे। अब नए मिश्रण में पानी 20% है और दूध 80% होगा, अर्थात पानी और दूध का अनुपात, पानी और दूध का अनुपात बराबर 20:80, जो कि बताया गया है कि 20:80 है बराबर ये जो है 1:4 हो जाएगा। 20/80 करेंगे, 20 × 1 = 20, 20 × 4 = 80, तो 1:4 हो जाएगा। अतः 4 × x यह हमारा पानी है और 36 लीटर जो है हमारा दूध है बराबर, ये जो है इसका अनुपात 1:4 हमने निकाला है। अब इसे तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हमें 4 जो है तिर्यक गुणा करने से 4 × 4 = x बराबर 36 को 1 से गुणा करेंगे तो 36 × 1 बराबर 4 × 16 = 4x बराबर 36 बराबर 4x बराबर 36 × 16 या 4x = 20 या x = 20/4 = 5 अर्थात मिश्रण में पांच लीटर पानी और मिलाया गया, मिलाया गया है। इस तरह से हमने ज्ञात किया कि मिश्रण में 5 लीटर पानी और मिलाया गया है, यह इस प्रश्न का हल होगा। उदाहरण क्रमांक 8, समानुपात प्रोपोर्शन। नवमी की वार्षिक परीक्षा में मारिया के विभिन्न विषयों में अंक इस प्रकार हैं: हिंदी में 78/100, अंग्रेजी में 35/50, संस्कृत में 30/50, गणित में 70/100, विज्ञान में 90/100 और सामाजिक विज्ञान में 72/100। आप विभिन्न विषयों में मारिया के प्रदर्शन के बारे में क्या कह सकते हैं? अंकों में तुलना करने के लिए सबसे पहले तो कुल अंकों के आधार को समान होना चाहिए, यानी अंग्रेजी में यदि 50 में 35 है तो 100 में से 70 होंगे, यानी 35/50 = 70/100 भी लिख सकते हैं। इसी तरह संस्कृत के अंकों को 30/50 = 2×30/2×50 यानी कि 60/100 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वास्तव में 35/50 और 70/100 या 30/50 और 60/100 तुल्य अनुपात हैं, यानी ऐसे अनुपात जिनका मान समान है, अर्थात 35/50 = 70/100 या 30/50 = 60/100। दो तुल्य अनुपातों के इस संबंध को समानुपात प्रोपोर्शन कहते हैं। यदि ए अनुपात बी और सी अनुपात डी समान हो तो उन्हें ऐसे लिखा जा सकता है, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। इसे ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी।